एक मिशन, भेजा जाता है जिससे कि इंडियंस का सपोर्ट गैदर किया जा सके, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव रहता है। तो आप देखो कब आया, मार्च 1942 में। क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग लगता है जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे या वैसे करते हो ना, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, हाँ। तो ये याद रखना, क्रिप्स मिशन का बात है, इंडिविजुअल सत्याग्रह के बाद 42 में। हेडेड बाय स्टेफोर्ड क्रिप्स वाज सेंट टू इंडिया फॉर विथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल, है ना, तो सीक इंडियन सपोर्ट। क्रिप्स मिशन क्यों आया, बिकॉज ऑफ द रिवर्स सफर्ड बाय ब्रिटेन इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया मतलब जहाँ पे जापान, चाइना वगैरह को अटैक कर रहा था, वहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है हार गए थे। द जापानीज थ्रेट टू इन्वेट इंडिया सीम रियल नाउ एंड इंडियन सपोर्ट बिकेम क्रूशल। जो जापानीज थे वो एकदम समझ लो अभी मणिपुर है वहाँ तक आ गए थे, वहाँ से जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का विंस्टन चर्चिल, उन्होंने बोला था कि वो कलकत्ता वगैरह सब ले जा सकते हैं, बंगाल, कलकत्ता, है ना, सारा कुछ चला जाएगा अगर जापान आएगा तो। प्रेशर ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम द एलीज यूएसए, यूएसएसआर, चाइना टू सीक इंडियन कोऑपरेशन, प्रेशर था। और इंडियन नेशनलिस्ट हैड एग्रीड टू सपोर्ट द एलीट कॉज इफ सब्सटेंशियल पावर वॉज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली एंड कम्प्लीट इंडिपेंडेंस गिवन आफ्टर द वॉर, है ना, कि इंडियंस ने भी बोला था कि आप हमको सब्सटेंशियल पावर दे दो, हम सपोर्ट करने लग जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हम क्रिप्स मिशन एक बार भेज के देखते हैं।